नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मध्य प्रदेश और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त होगा। राजस्थान और तेलंगाना में प्रचार जोरों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज पंजाब में पाकिस्तान सीमा तक करतारपुर गलियारे के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को देशभर में लगभग 56,000 नए पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दी। अमरीका ने मुंबई आतंकी हमलों के किसी भी साजिशकर्ता की सूचना देने पर $50 लाख इनाम की घोषणा की। क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर को आईसीसी महिला विश्व 2020 एकादश का कप्तान चुना गया। समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। मध्य प्रदेश और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। दोनों ही राज्यों में बुधवार को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रचार के अंतिम दिन आज विभिन्न पार्टियों के नेता चुनावी रैलियां, बैठकें और रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में कुछ ही घंटे शेष रहने के कारण राष्ट्रीय के साथ साथ क्षेत्रीय दल आज भी अपने शीर्ष नेताओं को प्रचार में उतारने की तैयारी में हैं, ताकि मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में कोई कसर न रह जाए। भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों ने कल भी मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार अभियान में अपने आला नेताओं को मैदान में उतारा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, सांसद हेमा मालिनी और कई अन्य वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने कल सत्ताधारी पार्टी के लिए कर प्रचार किया, जबकि कांग्रेस नेताओं नवजोत सिंह सिद्धू, सचिन पायलट, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में रविवार को जमकर सभाएं की। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने भी अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आइजोल से हमारी संवाददाता ने बताया है कि मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। इस बार का चुनाव बहुपक्षीय हो गया है। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस, विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट और जोरम पीपुल्स मूवमेंट के बीच होगा। इस बीच चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि 173 चुनाव अधिकारी कल से अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे। कानमून गांव में विशेष मतदान केंद्रों के लिए चुनाव कर्मचारी पहले से ही अपने मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं। आइजोल से इरिन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी। राजस्थान और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। दोनों राज्यों में अगले महीने की 7 तारीख को मतदान होगा। जयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरे प्रदेश में आज कई बड़े नेता रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भीलवाड़ा, डूंगरपुर और कोटा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह राजाखेड़ा, बसेड़ी और विराटनगर में पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 5 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत कर अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे। बसपा प्रमुख मायावती भी आज राज्य में कुछ स्थानों पर जनसभाएं करेंगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उधर तेलंगाना में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज पंजाब में गुरदासपुर जिले के मानगांव में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब सड़क गलियारे के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को महत्वपूर्ण फैसले में 2019 में गुरू नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर इस गलियारे के निर्माण और विकास को मंजूरी दी थी। भारत और पाकिस्तान ने 15 नवंबर को घोषणा की थी कि वे अपने अपने क्षेत्रों में गलियारे का निर्माण करेंगे, ताकि सिख श्रद्धालु वीजा के बिना पवित्र गुरुद्वारे के दर्शन कर सकें। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप पुरी गलियारे का निर्माण शुरू करने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार को पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान ने इस कार्यक्रम में 2 केंद्रीय मंत्री भेजने के भारत के फैसले का स्वागत किया है और इसे सकारात्मक कदम बताया है। अमरीका में भी सिख समुदाय ने इस धार्मिक गलियारे का निर्माण करने के सरकार के फैसले की सराहना की है। एक रिपोर्ट।
भारत में गलियारे का निर्माण गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से शुरू होगा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस गलियारे का निर्माण करेगा और केंद्र सरकार इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराएगी। ये गलियारा सर्विस रोड सहित 4 लेन का होगा। पाकिस्तान में करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। करतारपुर साहिब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है, जहां से डेरा बाबा नानक की दूरी 4 किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1522 में की गई थी। गलियारे के बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को देशभर में लगभग 56,000 नए पेट्रोल पंप खोलने और अपने खुदरा कारोबार को व्यापक विस्तार देने की अनुमति दे दी है। इससे हजारों करोड़ रुपए के निवेश के साथ बड़े पैमाने पर लोगों को नए रोजगार मिलने की संभावना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारी पार्थ वोरा ने कल मुंबई में कहा कि नवनिर्मित हाईवे, नए कृषि क्षेत्र और औद्योगिक हब जैसे उभरती बाजारों से ईंधन की बढ़ती मांग और ग्राहकों की सुविधा के लिए ये फैसला किया गया है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मुंबई आतंकवादी हमलों को आज 10 वर्ष हो गए हैं। लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने आज ही 2008 में मुंबई में कई स्थानों पर हमले किए थे, जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। एक रिपोर्ट। शहर और राज्य भर में कई श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम 2611 स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ में शहीदों के साहस की कहानियों को याद किया जाएगा। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल और अभिनेता अमिताभ बच्चन शामिल होंगे। मुंबई के आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड के खिलाफ मुकदमे में देरी के लिए सरकारी वकील उज्जवल निकम ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। हमले की 10वीं बरसी के मौके पर उन्होंने पड़ोसी देश पर आरोपितों को शरण देने का भी आरोप किया है। सोनाली भरियाय पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। श्री कोविंद ने कहा कि इस दिन बलिदान करने वाले सभी सुरक्षा बलों के जवानों और पुलिसकर्मियों को देश नमन करता है। नौसेना प्रमुख सुनील लांबा ने कहा है कि मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत बेहतर ढंग से तैयार और संगठित है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में नौसेना प्रमुख ने कहा कि नौसेना अब बहुत आयामी बल बन गई है और समुद्र में भारत की सुरक्षा मजबूत हो गई है। अमरीका ने 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम देने, साजिश रचने, मदद करने और भड़काने से जुड़े किसी व्यक्ति के बारे में किसी भी देश में सूचना देने और उसकी गिरफ्तारी पर $50,00,000 के इनाम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के बीच सिंगापुर में हुई मुलाकात के एक पखवाड़े से भी कम समय के बाद अमरीका ने ये कदम उठाया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया था। विदेश विभाग ने कहा है कि इस घटना के बारे में सूचना देने वाला कोई भी व्यक्ति वेबसाइट या ईमेल info@rewardsforjustice.net के जरिए संपर्क कर सकता है। अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मुंबई आतंकी हमले को बर्बर बताते हुए पाकिस्तान और अन्य देशों से कहा है कि वे लश्कर ए तैयबा और उससे जुड़े अन्य गुटों सहित इस हमले के जिम्मेदार लोगों पर प्रतिबंध लागू करने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दायित्वों को पूरा करें। गुजरात के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने वर्ष 2007 में हुए अजमेर दरगाह विस्फोट के एक अपराधी को भरूच से गिरफ्तार किया है। वो पिछले 11 वर्ष से फरार था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने अपराधी सुरेश नायर की गिरफ्तारी पर 2,00,000 रूपये का इनाम घोषित किया था। नायर ने विस्फोट के लिए बम मुहैया कराया था और घटना के समय वो वहीं मौजूद था। आज संविधान दिवस है। इसी दिन 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। एक रिपोर्ट। 19 नवंबर 2015 को डॉक्टर बीआर अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के दौरान भारत सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। संविधान राष्ट्र के लिए शासन और न्याय व्यवस्था में एक प्रकाश की तरह काम करता है। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत को दुनिया का सबसे अच्छा संविधानों में से एक दिया है, जिसमें उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों को समायोजित किया और उसे भारतीय परिस्थिति के अनुकूल बनाया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए लोगों से संविधान में स्थापित मूल्यों को आगे बढ़ाने और देश में शांति, प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने की अपील की। संविधान दिवस है उन महान विभूतियों को याद करने का दिन जिन्होंने हमारा संविधान बनाया।
इन्होंने जिस असाधारण गति से संविधान का निर्माण किया वो आज भी टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी का एक उदाहरण है। यह हमें भी अपने दायित्वों को रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। संविधान ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत किया है और संशोधनों के माध्यम से और विकसित हुआ है। संविधान ने लोगों को उतना ही सशक्त किया है जितना लोगों ने संविधान को सशक्त किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हरमनप्रीत कौर को आईसीसी महिला विश्व 2020 एकादश टीम का कप्तान बनाया गया है। टीम में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और लेग स्पिनर पूनम यादव को भी जगह दी गई है। एकादश में इंग्लैंड की 3, ऑस्ट्रेलिया की 2 और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड तथा वेस्टइंडीज की 1-1 खिलाड़ी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा को अपने वैश्विक सतत विकासशील शहर 2025 पहल के लिए चुना है। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत से सिर्फ इन दोनों शहरों को यूनिवर्सिटी सिटी वर्ग में चुना गया है। गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस वर्ष फिल्म बाजार के दर्शक गृह में रिकॉर्ड 217 फिल्में दिखाई गईं। इनमें 135 फीचर फिल्में, 64 लघु फिल्में और 18 वृत्तचित्र शामिल हैं। ये फिल्में खासी, गोंडी और भूरिया सहित 35 भाषाओं में थीं। आकाशवाणी से आज प्रसारित होने वाले समाचार सेवा प्रभाग के साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है मिशन इंद्रधनुष संपूर्ण टीकाकरण। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 से प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद मुकेश। अयोध्या में राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद की रैली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाए केंद्र सरकार, सभी अखबारों में है। हिंदुस्तान ने धर्म सभा में संतों के मुस्लिम पक्षकारों को राम मंदिर पर आगाह करते हुए लिखा है, मथुरा काशी भी एजेंडे में। इसी खबर पर नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री के हवाले से दिया है, अयोध्या मसले पर जजों को डराती है कांग्रेस। जनसत्ता के अनुसार कुंभ में घोषित होगी मंदिर निर्माण की तिथि। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची बनेगी श्री राम की मूर्ति। राम मंदिर के पक्ष में उतरी मुस्लिम महिलाएं वीर अर्जुन में है। जनसत्ता के अनुसार शोपियां में 6, कुलगाम में 4 और अवंतीपुरा में 1 आतंकी ढेर। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, सुरक्षा बलों पर पथराव के बाद झड़पों में 11 घायल, 1 की मौत। दिल्ली में 3 आतंकवादियों के गिरफ्तार होने पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ये 3 सेब के बाग में बंकर के अंदर दिल्ली दहलाने का प्लान बना रहे थे, पकड़े गए। मुंबई आतंकी हमलों की 10वीं बरसी पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कसाब की कुटिल हंसी आज भी दिल में चुभती है। वीर अर्जुन के अनुसार लश्कर आतंकियों को ढेर करने के लिए अमरीका ने विशेष बल रखे थे तैयार। हरिभूमि के अनुसार सिंधु नदी में अपने हिस्से का पानी रोकने के लिए भारत 3 परियोजनाओं पर काम करेगा तेज। पत्र लिखता है, सिंधु जल संधि के तहत सतलुज, व्यास और रावी का पानी भारत को आवंटित किया है। दैनिक जागरण के अनुसार ईएसआईसी ने नियमों में किया बदलाव, अब 6 माह की नौकरी से ही मिलेगी इलाज की सुविधा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त होगा। राजस्थान और तेलंगाना में प्रचार जोरों पर है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज पंजाब में पाकिस्तान सीमा तक करतारपुर गलियारे के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को देश भर में लगभग 56,000 नए पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दे दी है। अमरीका ने मुंबई आतंकी हमलों के किसी भी साजिशकर्ता की सूचना देने पर $50,00,000 इनाम की घोषणा की है। और क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर को आईसीसी महिला विश्व 2020 एकादश का कप्तान चुना गया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।